और अजमेर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश की गई। एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम अजमेर पहुंची थी और कलेक्ट्रेट सभागार में जहां बैठक का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर एक व्यक्ति का एक सभागार में घुसने का प्रयास वो कर रहा था, जहां पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ करके हिरासत में ले लिया और व्यक्ति का नाम हंसराज बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसका मोबाइल बस स्टैंड पर किसी ने चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने नहीं सुना, इसीलिए वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम दिया कुमारी से शिकायत करने के लिए जाने वाला था और उससे पहले ही सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। तो ये इस दौरान सुरक्षा के में चूक का मामला सामने आया है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सुरक्षा में चूक हुई है। पवन अटारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है सुरक्षा में चूक का मामला? जी बिल्कुल, देखिए प्रथम दृष्टया सुरक्षा में चूक का मामला कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर जिले और केकड़ी जिले के अधिकारियों की बैठक ले रही थी, इसी दौरान एक युवक काले रंग का बैग टांगे हुए सभागार के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। वहां पर तैनात जो सिविल लाइन थाना प्रभारी है छोटू लाल जी, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बस स्टैंड के यहाँ से जा रहा था, उसका मोबाइल चोरी हो गया और वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उसकी उन्होंने शिकायत नहीं ली। इस बात से वह नाराज था और वह सभागार में, जबकि यहाँ पर एक एडिशनल एसपी यहाँ पर तैनात थे, कई सीआई यहाँ पर तैनात थे और पुलिस का जाप्ता भी यहाँ पर तैनात था, तो ऐसे में वो सभी की नजर चुरा कर एकदम से मुख्य द्वार पर पहुंचा सभागार के। वहां पर घुसने से पहले ही उसको धर दबोचा और उससे पूछताछ की जा रही है और इसको हिरासत में भी ले लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।